नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, एक नेता जी हैं, देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता होने का ये दावा करते हैं, लेकिन इनका समाजवाद कैसा है, जो किसी भी हिंदू का पर्व त्यौहार होता है उसमें इनके द्वारा जो ट्वीट किया जाता है वो गलत हो जाता है। अभी नवरात्रि चल रहा है, पूरा देश इस पर्व को मनाने में लगा है, माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है, हर घर में कलश स्थापन किया गया है, आज नवमी है, घर घर हवन हो रहा है। अभी पिछले खबर में हमने आपको चिराग पासवान की कुछ तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वे लगातार पूजा में लगे हुए हैं, कन्या पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। लेकिन ये जो समाजवादी नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, ये नवरात्रि में ट्वीट करते हैं कि देश के सभी लोगों को रामनवमी की बधाई शुभकामना देते हैं, ये कि आज रामनवमी है, आज राम का जन्म हुआ था, और इसी की बधाई दे रहे हैं ये पूरे देश को। तो सवाल उठता है कि ये कभी ईद पर, बकरीद पर, तजिया पर या फिर क्रिसमस पर इनसे गलती क्यों नहीं होती। हमने हमेशा देखा है, पूर्व में भी कई दफा ऐसा हुआ है कि अखिलेश यादव के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है या फिर जो उनका ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उस पर हिंदू का जब पर्व त्यौहार होता है तो उसमें इनके द्वारा गलत ट्वीट किया जाता है और खुद को ये देश का सबसे बड़ा समाजवादी नेता होने का दावा करते हैं। इनके पिता और सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी बड़े समाजवादी नेता रहे थे, हालांकि उनके समय में ट्विटर नहीं हुआ करता था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे यह गलती होती या फिर नहीं होती। लेकिन अखिलेश यादव बार बार यह साबित करते हैं कि उन्हें हिंदुओं के पर्व त्यौहार से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, इस पर जैसे ही ट्वीट किया गया, देश के तमाम जो लोग हैं वे इनको ट्रोल करने लगे, और इस रेस में, इस कड़ी में वे अकेले नेता नहीं है। कांग्रेस के आनंद शर्मा की हम बात करें तो उन्होंने भी आज रामनवमी की ही बधाई दी है। अब इन नेताओं को कौन समझाए कि राम का जन्म चैत्र मास में हुआ था, यानी होली के बाद उनका जन्म मनाया जाता है, और ये जो है दशहरा जो है, जो कार्तिक का नवरात्र होता है, ये दीपावली से पहले आता है। खैर, इनको इतनी समझ नहीं होगी, यही कारण है कि इनके द्वारा इस तरीके का अनाप शनाप ट्वीट आता है। अब इस पर प्रतिक्रिया आई है उत्तर प्रदेश बीजेपी की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी उत्तर प्रदेश की बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी यूपी के हैंडल से ट्वीट किया गया है कि जिस अखिलेश यादव को यह तक नहीं पता कि रामनवमी और महानवमी में क्या अंतर है, वो राम और परशुराम की बात करते हैं। जनता को मत पहनाइए टोपी, वह आप पर ज्यादा अच्छी लगती है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि रामनवमी का पर्व चैत्र मास में मनाया जाता है और शारदीय नवरात्रों को हम महानवमी कहते हैं, जो मां दुर्गा की आराधना का दिन है, और इसके बाद कल दशहरा मनाया जाता है, यानी कल वही दिन है जब राम ने लंका पर चढ़ाई करके लंकापति रावण का वध किया था, और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा, और उसी उपलक्ष में जो भारत के तमाम लोग हैं वो दशहरा मनाते हैं, लंका दहन करते हैं, और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की प्रतिमा को जलाई जाती है। लेकिन देश में इस तरीके से कि जो नेता है, चाहे वो कांग्रेस के आनंद शर्मा हो, वरिष्ठ नेता है, और समाजवादी धारा के नेता अखिलेश यादव हो, उनके द्वारा इस तरीके का जो ट्वीट आता है, इस पर क्या ही कहा जाए। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया है कि आखिरकार इन नेताओं से अन्य धर्मों के पर्व त्यौहार पर ये गलतियां क्यों नहीं होती, और ये गलतियां सिर्फ इनको हिंदुओं के पर्व और त्यौहार पर, वो भी खासकर जो धार्मिक पर्व होता है हमारा, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो, या फिर कोई भी पर्व हो, उस पर ऐसी गलतियां इन नेताओं से कैसे हो जाती हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा। हाँ, एक बात आपको और बता देते हैं कि अखिलेश यादव ने इस ट्वीट को जब वो ट्रोल होने लगे तो डिलीट कर दिया, और शायद उनको इस बात का शर्म भी जरूर आया होगा। तो आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा, हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, साथ ही साथ ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, साथ ही साथ खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए द इंडिया टॉप.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।